यू नो झलक के बाद मैं थोड़ा हॉल में घुस गया था मैं बहुत एम्बेस हो गया था वेरी बैड डांसर आया हम लेकिन वो लास्ट किया था मैं टी वी में बट ऑन आ सीरियस नोट मुझे कुछ बिजनेसिस में इंटरेस्ट देना था एक घर बनाया था मैं तो आई हैड सम टाइम और uh, मुझे मालूम था कि एक ऐसा टाइम आ गया है कि आई शुड चूज़ द राइट थिंग सब लोग ऐसे ही कहते हैं एक्चुअली सब लोग यही कहते हैं कि आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट थिंग जबकि एक फ़ोन नहीं आता है और कोई ऑफर नहीं दे रहा है इसलिए दिस आई वॉज वेटिंग लेकिन मेरे लिए जेन्यनली uh, टेलीविज़न एक अच्छा स्पेस है जहाँ फिल्मों की तरह जहाँ फिल्मों में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता सिर्फ लाइक मल्टी स्टार कॉमेडीज मिलने लग गए थे और मैं पक गया था उससे टेलीविजन में ऐसा फेज़ आया था जब आई हैड आई कुड मेक अ चॉइस कि मैं चूज़ कर सका मुझे क्या करना है और आई सेड ये टाइम अच्छा है कि मैं अपने आप के लिए कुछ बिजनेस में भी टाइम दूँ क्योंकि अगर आप पैसों के लिए या सिर्फ एक पेरोल के लिए रोल लेते हो टी uh, या फिल्म का रोल यू लैंड अप मेकिंग मिस्टेक्स तो मुझे अभी ये प्रोफेशन एक्टिंग प्रोफेशन में कभी ऐसा डिपेंड नहीं करना है कि ये मैं पैसों के लिए करूँ ये मेरा हॉबी है ये मेरा प्यार है ये मेरा ये मेरी जान है दिस प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग एंड आई शुड नॉट डू इट फॉर एनी अदर रीज़न एक्सेप्ट इफ आई लव द रोल और मुझे कुछ अच्छा लगना चाहिए तो ये टाइम में ये आउट ऑफ एवरी थिंग टर्नड आउट टू बी द ब्लेसिंग दैट आई गॉट और इतना अब अब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मिनट मैंने वेट किए मेरे लिए आ, बिल्कुल वर्थ इट थे एक एक्टर के लिए ना हमेशा जब एक रोल जो आता है जो उसकी तरह नहीं हो उसे सही एक्टिंग कहते हैं तो आ, या या जो वो हमेशा जो करता आया है जैसे मेरे केस में कॉमेडी अगर वो नहीं हो तो वो स्पेशल होता है या कुछ जो रैंडम जो सब सब लोग कर सकते हैं अगर तो वो नॉर्मल होता है लेकिन मेरे लिए ये आ, रोल जब आया इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड और क्रेजिएस्ट एक्सेंट्रिक थोड़ा अतरंगी कैरेक्टर दट आई कुड प्ले तो अब इनफैक्ट ये जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस है आई नो कि आई डोंट नो हाउ पीपल सी मी एज एन एक्टर लेकिन अपने मन में आई फील के यू नो मैं प्ले कर लूँगा कुछ भी हो कॉमेडी हो ये हो इट्स नॉट डिफिकल्टो यू मुझे एक्टिंग आती है